अरे रे, ऐसे कौन इसका को आए इसका साइड असली शेर की। शेर। हेलो एवरीवन, कल मेरा व्लॉग नहीं आया, आज का व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल इनकी थोड़ा सा तबीयत ना ख़राब हो गई थी, और अचानक ही हो गई थी। कहते हैं ना, एक दिन में कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता, आप हम कोई भी नहीं जानता। और ना अचानक से इनको पता नहीं क्या हो गया था, एक तो पसीना पसीना छूटने लगे। तो फिर अभी देखिए, अभी ना शाम का समय हो रहा है, और कल क्या था, कल आपको पता है 31 मार्च था ना। और आई थिंक मैंने कल ना शाम को वीडियो डाली ना सुबह डाली। देखो मेरे को दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, धनिया का जूस ज़रूर बनाती हूँ इनके लिए। अभी जब से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है, ये किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। जो हमारे से लोग नए लोग जुड़ते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आप क्या क्या डाइट देती हो भैया को बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे तो मैं आप लोग को नहीं बता पाती हूँ, पर मैंने कहा चलिए आज ही बता देती हूँ। तो मैं धनिया को जूस देती हूँ, उससे ना किडनी जो थोड़ा सा जैसे कम वर्क कर रही है, तो उससे ज़्यादा करती है। डॉक्टर से पूछ के ही करते हैं हम, और बिना उसके नहीं करते। और जो इनका डाइट रहता है ना, जैसे जो भी डाइट चार्ट में लिखा है वही चीज़ देते हैं। और जैसे ज़्यादा तेल मसाला वाला कभी एक आध 2 महीने में दे दिया तो दे दिया, वरना नॉर्मल ही खाना। और बाहर का ऐसा है कि बाहर का जब हम हॉस्पिटल वगैरह जाते तब हमें मजबूरी में खाना पड़ता है, बाकी हम कहीं का भी नहीं खाते हैं। आधा काम तो हमारा शिप ही कर लेता है, आप खुद ही देख लीजिए। और इसके साथ ना मुझे बड़ी परेशानी होती थी, खुली खुद ही थाली ऐसे कर दिया ना, मैं सोचती हूँ ये उसको कार्टून लगा दूँ, कुछ लगा दूँ, तो ये बिजी रहे, थोड़ा देखेगा फिर थोड़ा यूं ही करने लगता है। और आपको पता है ना, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं कुछ और प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए, इनको देख के मुझे ऐसा फील होता है। मैं बोलती हूँ बच्चों के साथ खेलो, पर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, फिर ये ना आज देव ने बोला आज पापा आप मुझे खाना खिलाओ, रोज़ मैं आपको खिलाता हूँ, आप मुझे खिलाओ आज। तो मैंने कहा ठीक है, जिस हाथ से उसको खिलाना उस हाथ से आप नहीं खाना खिला रहे हो, ठीक बात है। और शिप भी ना आगे पीछे होता ही रहता है। आपको पता है कि मैं नवंबर दिसंबर में जब गिरी थी ना, तो मेरे जो अब मैं भारी सामान नहीं उठा पाती हूँ, वरना उसमें झटका लगता है, फिर मुझे पेन होने लगता है। इसलिए मैं ना जो भी सामान है वो खिसका के ले जाती हूँ। ये देखिए, और अभी रात का ही समय हो रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि आप ना बच्चों के साथ ज़्यादा हिला मिला करो, तो होगा क्या, तुम्हारा डिप्रेशन कम होगा। पर वो मानते तो हैं, पर थोड़े टाइम के लिए वो मानते हैं। अब मैं तो समझा समझा के हार गई हूँ, मैं और नहीं समझा सकती हूँ ना। आज 3 साल से मैं इनको समझा रही हूँ, पर अपना ही करना है कहने में। देखिए मैं थोड़ा, मुझे स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और बनना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर कोई लापरवाही होगी फिर सारे इल्ज़ाम मुझ पे ही आएंगे इसलिए। और एकदम किसी ने मुझे बोला भी था कि एकदम आप ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो शायद उनको भी थोड़ा सा लगेगा। अभी देखिए, अब मेरे साथ यही होता है, कैमरा को यहाँ खिसकाओ वहाँ खिसकाओ, और मैंने एक तरफ ही ना सटक ये इस पर लगा दी। तो आप देख सकते हो इसके नीचे ही इंडक्शन रखा, और देखो शिप भी आ रहा है और वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, क्योंकि मैंने खोल दिया था। अभी गर्मी है ना ज़्यादा, इस वजह से मैंने थोड़ा खोल दिया था। अब उसको कोई भी खिलौना दो और उसको बिजी रखो, वरना यूँ होता है अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो कहीं वो चप्पल उठा लेता है खाने के लिए, कहीं कुछ उठा लेता है। अब बच्चा है उसको क्या पता है, फिर भी इसको लिए लिए जितना काम होता है उतना कर लेती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बर्तन वगैरह वॉश करके, ये देखिए हल्दी है ना, हल्दी को मैं फुला रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि आरती इतनी सारी हल्दी का करेगी क्या, एक्चुअली ना हम बाहर का हल्दी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और जब मेरा पेमेंट नहीं आया था तो घर के ही सामने आया था, तो मैंने इसको ले लिया था, करीब 1 किलो ले ली थी। तो हम बाहर का हल्दी यूज़ नहीं करते, तो इसी को फुला देंगे, नेक्स्ट डे हम इसको तोड़ेंगे और सुखाएंगे, और साल भर के लिए स्टोर करके हम रख लेंगे। और ये सारी चीज़ें अभी ही यूज़, मतलब अभी ही धुल के सुखा के रखने वाली चीज़ होती है। पहले तो हम क्या है, जब इनको प्रॉब्लम नहीं थी तो हम बाहर का भी खा लेते थे, मिर्च मसाला जो भी है ख़रीदा वाला, पर अब नहीं खाते क्योंकि आपको पता है बाहर होती है मिलावट है ना। तो उसके बाद अभी मैं आप लोगों से देखिए दोपहर को मिल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे काम करने लग गए थे। ये देखो
आधी तो हल्दी हमारी टूट गई थी, आधी जो है हल्दी देव ने ऐसे ही रख दी थी, उसको लगा हो गई, तो मैंने कहा बाबू ये नहीं हुई थी, थोड़ा उसने कूटा थोड़ा मैंने कूटा और होते जा रही थी, क्योंकि गीली हो गई थी ना रात भर की, फूली हुई थी तो जल्दी से टूट गई थी। अब जल्दी से टूट जाएगी तो फिर पिसने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और एक तरफ मैंने उसको सोचा कि ये सो जाए, पर ये सोया नहीं था, और अभी ना इसको एक दो दिन सूखने में लग जाएगा, उसके बाद हम पिसवाने डाल देंगे। वही मैं चीज़ कह रही हूँ, ब्लॉग तो मैं अच्छे से कंटिन्यू बनाती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, पर होता क्या है इनको, इनके साथ जो है प्रॉब्लम, आपको पता है इनकी प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी, और शायद हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कुछ की इनको, इनकी जो हालत है इनको लेकर, है ना, उम्मीद ऐसे ही नहीं कर सकते कि हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें आराम लग रहा है नहीं लग रहा, हम मैं ये नहीं बोल सकती, है ना। और आप लोग को भी पता है कि अभी हम गए हुए थे, अब कुछ डॉक्टर ने ऐसी बातें बोली हैं, तो फिर यही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को पक्का श्योर बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, अभी इन्हीं सब चीज़ें में हूँ। उसके बाद ना हमारे बाजू वाले छत हैं जो मतलब पड़ोस के, तो उसमें धूप रही अच्छी तेज़, तो मैंने कहा चलो यहीं पे डाल देते, आती तो धूप हमारे घर के पास भी है, एक हाथ से देखो शिप को पकड़ा था, अगर मैं उसको छोड़ के आती ना वहाँ पे तो वो मेरे पीछे पीछे आता, तो मैंने कहा चलो उसको पकड़े पकड़े हम काम कर लेंगे। और ये देखिए ये हल्दी इधर पे डाल देंगे हम, तो हमारे लिए हो जाएगी। और अभी ना मैंने नहाया नहीं था, अच्छा मैंने लास्ट में जब अपना जो वीडियो डाला था ना वो उसी दिन, मैं एक ही दिन मतलब वन नाइट ही अपने ससुराल में थी, आप लोग का यही था कि भैया को वहाँ क्यों अच्छा नहीं लगता, कारण अच्छा क्योंकि उनसे कोई बातें नहीं करते हैं, एंड ये बातें भी होती हैं कि देखिए अब आप समझ सकते हैं ना कि क्यों बातें नहीं करते हैं, इस वजह से। उसके बाद देखिए ये ना शायद हम आप लोगों से, आज का ही व्लॉग है और हम नेक्स्ट डे सुबह मिल रहे हैं मॉर्निंग में, तो मैंने देव के यहाँ से स्कूल है जो स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने उसको ब्रश मंजन देकर आई थी कि बाबू आप ब्रश मंजन करो, जब तक को पापा को जाना होगा तो वो खुद चले जाएंगे, तो हालांकि वो अभी ना डंडा लेके चल रहे हैं, मतलब जो एक लाठी होती छड़ी होती, क्योंकि उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए, पर अब ऑल टाइम तो मैं उनके साथ खड़ी तो हूँ मैं, पर ऑल टाइम कहीं जाना है आना है तो उनके साथ खड़े नहीं रह सकती हूँ ना, तो इस वजह से। और जो देव की पुरानी बुक्स हैं तो हम देखेंगे कहीं पे किसी को दे देंगे, है ना, तो वो बेचारा पढ़ लेगा जो भी है, जैसे स्कूल कोई नहीं जा रहा आस पड़ोस में उनको दे देंगे। तो मैं किताब कॉपी यहाँ पे देखी उसकी छांट रही थी, जो खाली है तो उसको अभी एक रख देंगे और जो भर गई हैं तो उनको अलग कर देंगे, जो रीड वाली बुक है उसको हम किसी को दे देंगे, तो ऐसे करके। और देव वहाँ से चिल्ला रहा था अंदर से, ये आ रहे थे मुझे समझ में आया था उसके पास जाऊँ इनके पास जाऊँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि वो ना ब्रश वगैरह तो कर लेता है पर ये कि अभी इतने अच्छे से नहीं कर पाता है, अब 5 साल का जब पूरा रेडी होगा आधा होगा तब उसको शायद बहुत कुछ समझ में आ जाए। और देखिए धीरे धीरे यहाँ से भी चल के आ रहे हैं, मुझे डर यूँ लगता है कि फिसलने फिसलने का डर लगता है, पर क्या करें, मुझे बहुत देर से आवाज़ लगाई थी कि मुझे जाना है जाना है, मैंने कहा कि क्या करूं मैं, तो फिर मैं देखिए काम करते करते ही ना ऐसे खड़ी हो गई थी कि ठीक है मैं अपना एक सहारा दे देती हूँ तो चलते बन जाएगा। कभी कभारी दीवार देव ले जाता है, कभी कभारी कूलर पकड़ के चले जाते हैं, और मेरा ये पर्पस नहीं रहता है कि मैं आप लोगों से मतलब ये सब चीज़ें बताती हूँ, क्यों बताती हूँ मुझे भी नहीं पता, पर शायद अगर जो भी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से। कल ही मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, मुझे ये लगा कि मैं बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपा रही हूँ, एक ये आपको पता है कि हमारी रियल लाइफ होती है जो आप लोगों से यूट्यूब में शेयर करते हैं, हर कोई चाहता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें बताएं, पर यही कि हम मजबूर हैं, मजबूरी के कारण सिर्फ आप लोगों से बता रहे हैं। चलिए हम देखिए अब ना क्या हुआ था, अच्छा हाँ अब ये ना शिप देखो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये क्लिप मुझे पहले ही लगाना था, चढ़ने की कोशिश करता है उसके बाद फिर वो नीचे गिर जाता है, इसलिए पकड़ 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 के अब चलने लगा, ये देखिए अब वो कितना खुश हो रहा है, अगर मैंने उसके सामने कैमरा चालू किया है। गिरने का तब मुझे डर लगता है कि वो देखिए हाथ ना छोड़े और गिर ना जाए, अभी उसको पता है ना मोबाइल चालू है टार्च चल रहा है, इसलिए वो देखिए आ गया मेरे पास। भूख लग रही, चलो पहले उसका सामान लाते हैं।
अच्छा ये देखिए, इनको ना इतना दर्द उठा, इतना कि बस एकदम यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ हिलने लगे। बोले कुछ कर आरती कुछ कर। मैंने कहा क्या करूँ, एक बोतल थी मेरे पास जो कि उसकी बोतल थी पानी गर्म करने सेकने की, पर एन वक्त में वो मिली नहीं। पता नहीं मेरे बच्चों ने कहाँ खेल खेल के उसको साइड कर दी। तो देव तो अभी स्कूल जा चुका था, तो फिर मैंने ये पीतल की जो बोतल है ना उसको ऊपर से सिकाई कर रही हूँ। इतना पानी गर्म नहीं है पर हाँ थोड़ा सा गर्म है। और बस चिल्लाए जा रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, कल तक मैं ठीक था। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। और जिस सारी जो प्रॉब्लम में होती है ना वो हमारे साथ कभी रविवार को कभी बुधवार ऐसे दिनों में होती है ना, हमें खुद ही नहीं पता। तो थोड़ा सा हमें डर भी लगता है पर क्या करें, है ना। इसलिए आप लोगों से चीज़ों है जो बता देते हैं। अरे रे अरे रे सारी दूर ये सारी सेठ के नारे क्या हो गया अचानक से? अरे दर्द हो ही रहा था अपने, थोड़ा आराम लगता है एक दिन हो जाए। अरे तो दर्द है नस अगर दब गई ना हवाई के हाल से नुकसान तो नहीं कर रही ठंडी, अब कूलर की हवा भी कहीं नुकसान ना कर रहा थी। अरे रे ऐसे दीवाने कौन को आए बंद तो किनारे से निकल गया। अरे सर नहीं रे सर नहीं सर ये भी जहाँ दर्द है सर असली की दे शेर शेर भैया आ जाओ आ जाओ बल्ला उसे सही बना से सिखाई है उसे सही बना क्या पता लूँ कहाँ सही बना थैली से अरे 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 बस अरे बस करना है ना थैली ढूंढ लूँ मैं।